ये हैदराबाद से आ रही है। ट्रेन इतनी डार्क है कि नजर नहीं नहीं नजर आ रही है, आ रही है नजर आ रही है। दिस इज विद पीपल इन इट और विद कार्गो। कहां से आई है सर? जूस आज मिल जाएगा तो जूस ढूंढने और ही जाए में। नहीं नहीं बर्फ नहीं, बर्फ इनके पास एक्वाफिना की नहीं होगी। एक आप ये बनवा ले बनाना। हाँ हाँ मिक्स बना दो। हाँ और आइस नहीं डलवाएं क्योंकि आइस चले सर पे गिरी ना दर 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 करके सारी सारे पूरी पूरी लाइव सर। हाँ अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो कहते हैं जब देखो लाइव फोन पे। My work is on my phone. Everything I do is on my phone. पापा ज़्यादातर उस वक्त लेते हैं जब तुम बैठती हो। हाँ सर, मैं वीडियो की क्लिप भी उस वक्त बनाता हूँ जब आप वीडियो के कहीं बैठ रही हो। अब लोग कहते हैं जब देखो फोन पे लगी होती है। This is my work. उसका काम है, उसका वर्क है। अभी हम ये जूस की एक दुकान पे हैं, देखो माशाल्लाह पर्दा है, उन्होंने फैमिली रूम बनाया है। ये बीच में पर्दा है, ये कुर्सियाँ हैं, ये पंखा है और हमारे सर के ऊपर ये सारी। अगर जरा सी इनके गिरे तो बस गुड। बिल्कुल नाइस नाइस नाइस। लेबर ने ऑरेंज मंगाया, हमने केला चीकू और मिर्ची ट्राई करो, दोनों सेम है मेरे। और तुम स्मूदी? यस स्मूदी। फ्रेश जूस कितने ने डाले होंगे? हाँ कितने डाले होंगे? नहीं था क्योंकि लाइबा ने खा लिया। मैं जब आया तो घर भी टूटा हुआ था और फ्रिज में भी कुछ नहीं था। माशाल्लाह तीन दिन से फैमिली आई हुई थी, चार दिन से बड़ा मजा रहा अल्लाह बुला। तो अभी आज ईद का दिन है एक्चुअली और सब वापस जा चुके हैं। जैसे वो गए हैं और हम लोग आगे, क्योंकि घर में घबराहट हो रही। हाँ तो क्यूट ये देखिए या नहीं देखिए? देखिए मेरा। मैं तो नहीं देखी इसको, देखो जायरा से। वो जायरा तो क्यूट ही नहीं है, फ्रेश। ये देखिए माशाल्लाह। आपको मैंने कल ईदी दी थी? नहीं दोनों की नहीं। तो कल अच्छा वो ये बाहर थी। ओ ये बाहर थी तो अकबर भाई के वो बेटियां दो तीन जिनको मैंने दिया इनको। हाँ ये कल ने इनको नहीं दी होगी, आपको दी थी जो भाई जब आए थे इनको मैंने दी थी। ठीक है इसको देना है, ये हाशिम भाई उनके जो भाई के दूसरे नंबर पर, ये उनके बच्चे माशाल्लाह देख रहे हैं। मैं कब लाए जब बाजी बाजी के पास बैठो, उधर उधर बैठो, आपको बाजी फिर दी देती है। उधर बैठो कुर्सी पर आ जाओ, एक दिन आप उधर बैठो। अच्छा ये तो रह गई थी कल, मैं मेरे दिन में था कि मैं इनसे पूछूंगा कि कोई बच्चा रहता हो, क्योंकि हमें भी गिनती के साथ हमें भी नहीं पता क्यों कभी एक बाहर खड़ा कभी दो खड़े। चलो गुड, मैं लगते थे अच्छा साहब भाई, ये दो बच्चे रह कर रह गए थे। ये लो भाई ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपने सुबह जो है ना कल वापस आके ये मुझे ईदी दे देनी है, आपने भी ये मुझे दे देनी है। ठीक है
नहीं अच्छा भाई, चलो चीज लेना, चीज खाना, आइसक्रीम खाना, अच्छा, और अबू को सलाम भी कहना, ठीक है। क्या खाना क्या आपने नाश्ता किया? तो मुझे पश्तो भी तो नहीं आती ना, नाश्ता किया आपने? खाना खाया? सही कह रहे हैं, सही खाना खा रहे ना? आपको आती है पश्तो? बाजी को आती है? अरे बाजी तो पूरी बोलती है, ये लोग इनको तो आती है पूरी। फीजी और बड़ी बाजी, यानी दो नंबर की आसपास की बहन और सबसे बड़ी अली उनकी, वो बोलते हैं पश्तो पूरी। अब देखो ये मेरी वीडियो में भी जाके लोग फिर मेरे पीछे पड़े, क्योंकि यू इतना खाना खाया 3-4 लोगों के बराबर। या अच्छा, इसमें शक कोई नहीं है। कल मैंने बहुत खाया, नतीजा क्या हुआ, रात मुझे वो थ्रो अप हो गया, यानी इतना ज़्यादा गले तक पेट भर गया। तो लेकिन शुक्र है, बस वो जैसे हम कहते हैं कि उल्टियों के बाद, वॉमिटिंग के बाद, उसके बाद फिर बिल्कुल मैं पुरसकून हो गया और ग्रेवल खाई उसके बाद टैबलेट, और उसके बाद सो गया मैं। चल आरिफ, जड़ी चीज़ खानी है खादा, बाकी मैं आप खा लूँगा, पर मन में कान फट गए, कान पकड़ लिए मैंने। तो वो उसको भी स्लो जाना पड़ रहा है पीछे। तो लाइबा आखिर ट्रेंड हो गई है, अब यहाँ पे सीख ली है, कनाडा में जाके आसानी से वो लाइसेंस ले सकती है इंशाल्लाह, क्योंकि एक साल से बाइक लेके खड़ी की हुई थी और इसने लाइसेंस ही नहीं लिया। फाइनली वापस आ रहे हैं, आधे घंटे से वहाँ स्टार्ट ही नहीं हो रही थी लग रहा है इनसे गाड़ी, अब वापस आ रहे हैं। जैसे ही लगाया ना, जब गाड़ी चल रही है तो फिर फौरन छोड़ दो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी के अंदर फौरन, सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए ये इशू है। बस आज की ट्रेनिंग बहुत है, इतनी बहुत है आज की, इतनी बहुत है। खैर अभी टाइम है, नहीं बस थक गई असल में नींद। एक्चुअली आज ना दोपहर को ये सोती नहीं है, दोपहर को सो के उठी ना, वो हो रहा है ये मसला है दोपहर को ना सोने वालों का। मैं क्यों नहीं दोपहर को सोती, मेरा भी मूड ऑफ हो जाता, मैं सो के उठूं चूल्हा टाइम। हाँ जाओ सब। हाँ हाँ जैद, ये टोटली डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। नहीं आप चलाएं, लाइबा पीछे बैठेगी, आप चलाएं, लाइबा पीछे बैठेगी। मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूं, तुम नया फार्मूला। नहीं नहीं उसको प्रैक्टिस हो गई उसकी, नहीं गियर में जाते, ये भी कभी गियर में फंस जाती, ये इसके सारे ऊपर है। पाँव रखवाओ इसके नदी में, एक मिनट, पाँव कहाँ रखने, ए यहाँ पे रखो लाइबा, एक यहाँ पे, इंटरनेशनल गाड़ी है। जैद की सुन सुन के मुझे तो बचा के जाएंगे, बीच में खड़ी होगी ये। सही है, मुझे मैंने कहा देखो कौन मारता है मुझे बीच में से। हो गया, अच्छा हो गया भाई, मज़ेदार, ज़बरदस्त, अच्छा हो गया। हम जब दूसरे नहीं गए, आपको सब चले गए, घबराहट हो गई थी, यहीं से बैठे हो गए, घर खाली हो गया, ऐसे रुक के चले गए, तो वहाँ से अगर जूस जहाँ से मिला पी गया, वापस आ गया तो आगे सो गई, जैसे कमरे में जाके सो गया। अब जागा कुछ काम हम भी कर रहे थे, जाग रहे थे, इसको अभी तक जेट लैग। अब इसको क्या हुआ, रात को जैद को वो वॉमिटिंग जब हुई, इसने मुझे उठाया, तो मैंने देखा जैद को दवाइयाँ वगैरह आपने देखे, मैं सुबह सो गई, मैं दोबारा सो गई। अब दो दफ़ा ऐसा हुआ, दूसरी के तीसरी दफ़ा क्या हुआ, मैं तो सोई हुई थी, मैंने देखा पलट के लाइबा नहीं,
आँख खुल गई ना करवट लो, तो मैं कर लाए मैं कहूँगी मेरे पास और दर्द की तबीयत खराब नहीं है, तो ये अस्पताल चले गए हैं यार दर्द के साथ सो रही है। तो मैं भाग के गई तो देखा जैद के साथ सो रही, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसका मतलब जैद की तबीयत खराब नहीं होगी ये सो रही। इतने में वो 10:30 हो रहे थे तो लाए भाई बाथरूम से निकली, मैंने कहा भाई आई जब उठ के, तो मैंने कहा तुम पापा की तबीयत खराब होगी तो मुझे भी उठाया तुम छोगी पापा के पास आए, कह रही नहीं नहीं वो तो रात को जब मुझे नींद आने लगी तो मैं उस तरफ करवट थी तो आप इस तरफ थी तो मुझे हंसने की आवाज़ आई। ये तो बताया लाइबा को बताना चाहिए था ये वाक्य, क्या लाइबा क्या फील हुआ आपको? जो हंसने की आवाज़ आई थी तो मैंने कहा कि तो मैंने इतनी स्लो से टर्न किया मम्मा को देखने, मम्मा तो ऐसी मम्मा ऐसे सो रही थी, मुझे नहीं लगा कि अभी बात कर रही हुई है या उठी हुई है, तो अभी सनम का फोन आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है वो कर, ये इसने देखा कि मैं तो डेली नींद सो रही तो मेरी आवाज़ तो नहीं आई है ना, तो ये समझी कि नींद में कुछ सुना है साइड करवट, जैसे साइड करवट ही तो कहने लगी कि नहीं नहीं इधर देखो, इसको दोबारा ऐसे आकर मैं बिल्कुल ऐसे लगा कि किसी ने मुझे आवाज़ दे नहीं नहीं हाँ, और उसको ये भी पता है कि मम्मा की आवाज़ नहीं, और इसने दोबारा मुड़ के देखा और मुझे हिलाया, पर मैं उसी गहरी नींद में गहरी नींद, मुझे तो पता ही नहीं इसने मुझे हिलाया, कहना मैं तो एक सेकंड में उठती मेरी कच्ची नींद, इसने देखा मम्मा ने नहीं उठाया, इसने फोन उठाया क्योंकि कल ना हमारी पूरी खींची हुई थी नीचे तक, जब मैं उठी मैंने कहा कैसे उठी आज की चादर खींची हुई है पूरी, तो कहने लगी मैंने तो फोन उठाया बाप पापा की तरफ से, पापा ने तो हाफिज से बुना ना दुआ दुआ पढ़ के मुझे बचा ले कि क्या जन्नात है यहाँ पे क्या, तो जैद तो मैं बड़े परेशान हुई कुछ भी नहीं ऐसा, तो पर जैद ने फिर लाइबा को ये कहा कि जब मम्मा थकी होती है कभी कभी बोलती है, पर वो कहे मम्मा बोले भी तो सही, मम्मा को मुझे नहीं तो वो तो लाइबा ने आप बोल के चुप कर गई, पर वो कह रही मेरी आवाज़ ही नहीं थी, नहीं आप नींद में कई दफ़ा ऐसा होता है हमारा फायर सामी बोलता है ये बोलती है कभी 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 ज़्यादा थकावट हो, कई लोग जैसे स्लीप वॉक उठ के चलना शुरू कर देते, लेकिन रास्वा का मुझे पता है कई बार तो मैंने खुद बातें सुनी इसकी और ऐसी ऐसी बातें और वो सड़ी कटी बातें कर रही जब सोते में, मैंने कहा क्या हो गया भाई लट रही लट रही भी खुल जाए। हाँ लट रही और उसने बाप को इसलिए नहीं उठाया कि उसको वो तकलीफ में था, मुझे तो पापा का हाथ पकड़ा हुआ था और जैद को भी क्योंकि उसके जो पॉकेट है उसमें नींद का था तो जैद को भी नहीं पता चला, तो जैद समझा सुबह उठ के कि लाइबा इसलिए सो रही है कि वो पापा की तबीयत मेरी तबीयत ठीक में कैसे की इधर आ गई, क्योंकि वो पहले ही कह रही थी पापा मैं आपके साथ सोती हूँ ताकि आपकी तबीयत, तो जैद ने मना किया जैद का नहीं, मैंने कहा नहीं तुम इधर एसी वाले कमरे में मैं एसी में मुझे प्रॉब्लम होता है मैं उधर रात को ना, तो उसकी वजह से फिर रात को इसको नींद नहीं आई, रात वैसे जाती रही इसलिए कनाडा फोन मैसेज किए भाइयों को, तो जैद ने कहा नहीं यार वहाँ कुछ नहीं है पापा भी है लारा जल्दी से दे दो दूध लेने गई, कुछ लेने गई इतनी स्पीड में भागी है माशाल्लाह, ये कोरमा जो मैंने नहीं खाना लाइबा ये रायता, अब ये आया है समझो जीदी के ससुराल से ऐसे ही है ना, उनके भी कोई मेहमान आ रहे थे उन्होंने हमको कहा आ जाओ, कोई भी ठीक नहीं था अब लीजिए कल से वॉमिटिंग हो गई कल रात को फीडिंग जो कर ली मैंने, तो वो कहने के लिए चलो ठीक है नहीं आ सकते तो हम घर में भेज देंगे, तो हमारे 3 दिन के लिए बहुत होता था ये कैसे ऐसे कोर में देखे कनाडा में कभी नहीं, राकेश मैं कहता हूँ कुछ 2 दिन मेहनत थी छुट्टियाँ बढ़ा लो right. ये कोर में खाएंगे एक हफ्ता हो गया चलो ठीक है।